हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राधा। कुक विद राधा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, राधा पराठा एंड लच्छेदार पराठा, जो बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने आटा लिया है आधा किलो समथिंग, और थोड़ा सा पत्थर निकाल लेंगे इसमें से ताकि पराठा बेलने में आसानी होती है। और मैंने घी लिया है, अब इसमें शॉर्ट ऐड करूँगी आधा टीस्पून, ऑयल 3 चम्मच। अब सबको मैश कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटे को अच्छी तरीके से गूंदना है ताकि आपके लम्स ना रहे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मारना है, ज़्यादा टाइट नहीं मारना है, सॉफ्ट मारना है, स्मूथली इस तरीके से खूब गूंद के मारना है। इस तरीके से मारा है मैंने। अब इसको थोड़ी देर, मैं पराठा बना रही हूँ इसलिए नॉर्मल थोड़ा सख्त आटा चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं चाहिए, बहुत सॉफ्ट वाला सख्त चाहिए। जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं कितना, ज़्यादा गीला भी नहीं है, टाइट भी नहीं है। थोड़ा सा ऑयल इसमें लगा देना है। अब इसको ढक के रख देना है। तब तक चलिए तवा गरम करती हूँ। हाई फ्लेम पे आपको तवा गरम करना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको दोबारा से संभालना है ताकि आटा अच्छे से चिकना हो जाए, ताकि आपके पराठा बहुत अच्छा बने। इस तरीके से आपको खूब मैश करके गूंथ के, अब देखिए आटा कितना अच्छा मड़ा है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बर्तन रखना है इसमें ताकि लगाने के लिए, इसको बर्तन बोलते हैं। अब इसे मैंने लोई ली है, इस तरीके से आपको लोई लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी है। और इसके अंदर ऑयल लगा लेना है चम्मच से, इसको गोल करके मोमोज के तरीके। अब इसमें आटा लगाकर सूखा हल्के हाथों से बेलना है, फिर दोबारा से बर्तन लगाना है। इस तरीके से आपको ऐसे बेलना है कि ज़्यादा बीच में ज़्यादा नहीं बेलन लगाना है, साइड से थोड़ा लगाना है। बिल्कुल सही बेला है। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल सही बना है पराठा। मेरा पराठा तैयार हो चुका है, चलिए वो सिक रहा है, तब तक कि दूसरा पराठा बेलती हूँ। अब मैं बनाती हूँ तिकोना पराठा। इस तरीके से तिकोना पराठा इस तरीके से बनाते हैं। इसको 3 राउंड कर लिए हैं। जब तक कि तवे पे आपका पराठा सिक रहा है, तब तक कि जब मैं बेल के दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको बेलना है। इसमें ज़्यादा पत्थर नहीं लगता है, एक तरफ सिक चुका है। अब इसमें ऑयल लगा लिया है मैंने, अब इसको पलट देना है। अब दूसरी तरफ भी ऑयल लगाना है, बस 1 टीस्पून ऑयल लगता है, ज़्यादा नहीं। आपका पराठा बन के तैयार हो चुका है। और ब्राउन ब्राउन इधर साइड से थोड़ा सा सेक देना है, वो सिक चुका है। अब तिकोना पराठा मैंने डाला है, अब तो सिक चुका है दूसरी तरफ। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है 1 टीस्पून, दूसरी तरफ भी 1 टीस्पून लगानी है। अब इसको साइड से थोड़ा सेकना है, घुमा घुमा के सेकना है ताकि पराठा कच्चा ना रहे और जले भी ना। आपको चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लच्छेदार पराठा। ये सिक चुका है तिकोना पराठा। अब लच्छेदार के लिए आपको इसमें ऑयल लगाना है 1 टीस्पून, इसको राउंड कर लेना है। अभी इसमें फिर बेलन लगाना है आपको इसके, फिर इसमें ऑयल लगा के इसको गोल गोल कर लेना है। इस तरीके से देख रहे हैं आप, रोल जैसा हो गया। अब इसको दबा के इसमें बर्तन लगा के इसमें हल्के हाथों से बेलना है, इस तरीके से बेलना है हल्के हाथों से, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं बेलना है, इस तरीके से बेलना है। अब इसमें तवे पर डाल दिया है। अब पराठा देखिए तैयार हो रहा है, एक तरफ सिक चुका है ऑलरेडी। इसमें 1 टीस्पून वो डालना है ऑयल, दूसरी तरफ भी ऑयल लगाया है 1 टीस्पून। इस तरीके से घुमा घुमा के आपको चारों तरफ सेकना है ताकि कच्चा ना रहे पराठा, आपका पराठा जले भी नहीं। थोड़ा सा लो फ्लेम कर लेना आपको ताकि पराठा चल ना पाए। पराठा बनके तैयार हो चुका है, देखिए इसमें बिल्कुल अच्छे निकल के आए हैं इसमें से पराठे से। ये तिकोना पराठा है, ये देखिए बिल्कुल 3 पट निकली हैं इसकी।
और ये सादा पराठा है जो मैंने दिखाया है, देखो बिल्कुल भी सिर्फ एकदम अलग हो गया है। ये सादा पराठा जो पहले सेका था, तरीके से पराठे मेरे तैयार हो चुके हैं और सब्जी के साथ आप खाइए। ये लच्छेदार पराठा है, मैंने बैंगन की सब्जी का भरता बनाया है जो पहले मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था। इस तरीके से आप सर्व कर सकते हैं। देखिए आपके पड़ते दिख रही हैं इसमें से। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।